हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। देखिए कितना टेस्ट प्यारा और टेस्टी लग रहा है। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें सूजी ले ली है। सूजी हमारी आधी कटोरी के लगभग है। हमने पैन में घी गरम कर लिया है। अब इसे भूनने के लिए डालेंगे। अब इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे, जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे भूनना है। तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट लेते हैं और इसे ब्राउन होने देते हैं। तो ये हमारी सोनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें जिस बर्तन में हमने आधी कटोरी सूजी ली थी उसी में फुल कटोरी हमें पानी डालना है। हमारी गैस का फ्लेम लो होना चाहिए जिससे सूजी इसमें गर्म रहती है। सूजी भी गर्म, कढ़ाई भी गर्म, तो ऊपर आने का डर रहता है। इसकी फ्लेम हमेशा लो करके ही रखनी चाहिए, तभी पानी डालें। इसको हम चलाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना आपको पसंद हो। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा खाते हैं तो कम डालिएगा। सूजी को अच्छे से भून लेना चाहिए जिससे उसका कलर थोड़ा सा अच्छा खिल के आए। यदि सूजी को कम भूनेंगे तो उसका कलर वाइट वाइट दिखने लगेगा, सूजी का टेस्ट भी नहीं आता है। उसको थोड़े टाइम के लिए पकने को छोड़ देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। घी ऐड करना है जिससे हलवा चिपकेगा नहीं और अच्छे से पक सकेगा। पकने देना है थोड़ी टाइम तक। ऑलमोस्ट हमारा हलवा बन गया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। कितना खिला हुला और कितना सॉफ्ट, देखने में भी कलर इसका बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड, ये हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। देखिए कितना खिला हुला है, कितना अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स, आप भी जरूर बना के ट्राई करिएगा। देखिए हमने तो सर्व कर दिया है, बस हमें तो खाने की तैयारी है। ये देख के तो रहा भी नहीं जा रहा है, ये इतना प्यारा है। अब आप भी इस प्रकार जरूर बनाइएगा और बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा हलवा कैसा बना। थैंक यू।